हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी एग्जाम कॉर्नर में। जैसा कि आप दोस्तों आप लोग सभी लोग को मालूम होगा, एसएससी सीएचएसएल 2017 का जो आपका आंसर किया आया था तो सभी लोगों ने अपने मार्क्स मिला लिया होगा। सभी लोग को मालूम होगा कि कितने मार्क्स आपके आए हैं। तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, जाहिर सी बात है आपके मन में कि क्या मुझे आगे की तैयारी करनी चाहिए, क्या मेरे लिए ये सेफ स्कोर है, क्या इतने मार्क्स पर मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्नों पर आज विचार करने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे वीडियो का अपडेट मिलता रहे। पहले मैं तीन महत्वपूर्ण बात आपको बता दूँ, ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात कि मैं जो कटअप डिसाइड कर रहा हूँ वो किस सोर्स और किस आधार पर आपके लिए लाया हूँ। तो मैंने बहुत सारे आपके कमेंट देखे जो बड़े बड़े एडुकेशन चैनल पर आप डालते रहते हैं, जिसमें सर्वे किया गया था। मैं देखा कि ज़्यादातर स्टूडेंट का कितने मार्क्स आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने जितने अटैम्प्ट किए हैं क्वेश्चन, जितने मार्क्स आए हैं, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार की। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये मेरा ओपिनियन है और मैं अपना ओपिनियन आप लोग पर थोपना नहीं चाहता। मुझे जितना तक लगा कि इतना जा सकता है और इतना आपके लिए सेफ है, तो मैं उसी आधार पर आपके लिए बहुत सारे जानकारी जुटाने के बाद और बातों को मद्देनज़र रखने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगे। और जिन लोगों को लगता है कि इससे कम होगा या ज़्यादा होगा, तो भाई आपका अपना अपना ओपिनियन होता है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। जिनको लगता है कि इतना नहीं है, इतना है, तो वो भी अपने जगह पर सही हो सकते हैं एक मायने में। मैं उनको नहीं कहता कि वो लोग गलत हैं। तो प्लीज़ अपना, ये मेरा ओपिनियन है, ये आप ये ना समझिएगा कि मैं आपको आपके ऊपर थोप रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आप सभी लोगों को मालूम होगा जो एसएससी सीएचएसएल और एसएससी रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन लोगों को अच्छी तरह मालूम होता है, नंबर ऑफ पोस्ट अगर कम होते हैं तो कॉम्पिटिशन टफ होता है, नंबर ऑफ पोस्ट अधिक होते हैं तो जाहिर सी बात है कट ऑफ कम जाता है। तो आपको मालूम ही होगा बहुत कम पोस्ट है, तो कम पोस्ट है और कितने सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया है, तो इस आधार पर आप अपने बुद्धि और विवेक से भी कल्पना कर सकते हैं कि कितना जा सकता है। तो ये चलिए मैं आपको बताता हूँ, टोटल ऑफ स्टूडेंट थे 26 लाख एपियर हुए थे, 26 लाख से अब एपियर हुए हैं। आपको मालूम ही होगा टोटल ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट 3,259 पोस्ट टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थे, यानी कि जाहिर सी बात है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा है और नंबर ऑफ़ पोस्ट कम है। टेंटेटिव ये बढ़ाकर 6,271 तक किया जा सकता है। जैसा कि आपको मालूम होगा अभी हाल फिलहाल में 1500 पोस्ट बढ़े हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हो रहा था 1500 पोस्ट के लिए, इसमें 1500 पोस्ट थे और जो कि बढ़ाकर 3000 तक कर दिया गया है। तो स्टेनोग्राफर का आपको मालूम ही होगा जो कि 120 से अबव कभी कट ऑफ उसका नहीं गया था, पिछली बार 135 तक चला गया था। तो कट ऑफ डिसाइड नहीं किया जा सकता बिकॉज नंबर ऑफ पोस्ट उसमें बहुत सारे कम हुए थे, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ चला गया था। बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि अब की बार जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मैथ और रीजनिंग मॉडरेट लेवल के थे, जिसमें मैथ तो मॉडरेट ही था, रीजनिंग भी मॉडरेट था। और जीएस के जो भी एग्ज़ाम दे के आए स्टूडेंट, जिसमें सोर्स से पता चला कि जीएस का जो अब की बार जो सीएचएसएल में जीएस पूछे गए थे वो काफ़ी टफ लेवल के थे, यानी कि इसमें ज़्यादा गुड अटैम्प्ट यानी कि 10 से 15 ही कर पाए हैं। ज़्यादातर जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है 10 से 15 के बीच में ही रह गए हैं गुड अटैम्प्ट। और रही इंग्लिश की बात, तो ये भी मॉडरेट लेवल का था, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा हल्का था, लेकिन इसके भी क्वेश्चन कभी कभी कोई कोई शिफ्ट में टफ पूछे गए थे। नेक्स्ट बात है आपके लिए जानना ये भी ज़रूरी है कि पिछले साल का सीएल कट ऑफ ये है 2014, 2015 और 2016 का, जो कि मैं आपके लिए लाया हूँ। हाल फिलहाल का तो 2015 में जनरल का आप देख सकते हैं, 2014 में 120 जो कि पेन और पेपर मोड था, 15 में 119 जनरल का गया था, और ये 2016 में जो ऑनलाइन मोड हुआ था 127.5 तक मार्क्स चला गया था। यहाँ ओबीसी वालों को भी आप देख सकते हैं और यहाँ एससी वालों का भी देख सकते हैं, सभी का बढ़ा ही है। और इस साल वाला जो एग्ज़ाम है इसमें आपको मालूम है 15 मिनट टाइम आपको कम मिला था, तो 15 मिनट टाइम कम मिलने का यानी कि 15 मिनट में आप
6 से 7 क्वेश्चन जरूर से ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भी स्टूडेंट हो 6 या 7 क्वेश्चन तो जरूर ही सॉल्व कर पाएंगे। तो ये भी बात एक मद्देनज़र है अब की बार कट ऑफ थोड़ा सा कम होने की चांसेस बढ़ जाते हैं इस सब बातों से। 15 ये देखिए यहाँ पर है 2015 में तो जनरल के 119 गया था और ओबीसी का 110 गया था और टोटल नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए तो 60,975 स्टूडेंट 2015 में सेलेक्ट हुए थे। और नेक्स्ट है 2016 में तो 2016 में 53,201 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे पीटी में और इसका कट ऑफ जनरल का उस बार गया था 127 और ओबीसी का चला गया था 120। तो ये सब कट ऑफ बढ़ ही रहा है बिकॉज इसमें 75 मिनट टाइम दिया गया था तो 2018 में निश्चित जाहिर सी बात है 15 मिनट कम दिया गया है तो कुछ नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम हुए हैं तो कट ऑफ के कम होने के चांस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट है कि जो भी दोस्त एग्ज़ाम दे के आए थे ज़्यादातर स्टूडेंटों ने बोला कि टोटल अटैम्प्ट उन्हें 63 से 60 तक गुड अटैम्प्ट मतलब कि ज़्यादातर सही लोगों ने ज़्यादातर 63 से 60 बताया था और ओवरऑल 125 से 135 के बीच में उन लोगों ने टारगेट बताया था कि 125 से 135 के बीच में उन लोग सॉल्व कर पाए हैं। नेक्स्ट बात आती है आपकी 2018 में आपका कट ऑफ कितना हो सकता है। देखिए पीटी कंप्लीट करने के लिए मुझे लगता है आपकी बार 120 से वॉव अगर आपका है तो आप पीटी शायद कंप्लीट कर पाएंगे। ओबीसी 115 और एससी 110 और एसटी 105 तो ये इतना मार्क्स रहेगा तो आप ट्राइड वन कंप्लीट कर सकते हैं मुझे जहाँ तक लगता है। ये मेरा ओपिनियन है, मैं फिर दोहराता हूँ आपको, आपका ओपिनियन आप बोल सकते हैं। तो ये 2018 में मैं मान सकता हूँ कि 120 तक ओबीसी 115 तक और एससी 110 और एसटी 105 तक जाएगा। लेकिन मैं यहाँ एक और महत्वपूर्ण आपको बात जोड़ना चाहता हूँ, ये बात आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपको चूँकि नंबर ऑफ पोस्ट और पोस्ट बहुत कम है तो जाहिर सी बात है कंपटीशन टफ होने वाला है और कंपटीशन टफ होगा तो आपको ज़्यादा मार्क्स जितना ज़्यादा हो इस वो आपके लिए सेफ स्कोर होगा। और जैसा कि आपको मालूम होगा एसएससी एमटीएस सबसे बड़ा उदाहरण आपके लिए ये एसएससी एमटीएस है जिसमें एग्ज़ाम हुआ था और पीटी में तो बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे मुझे लगता है जहाँ तक कि, और वो अगला प्रोसेस जो नेक्स्ट स्टेप होता है डिस्क्रिप्टिव में बहुत सारे लोग छंट गए। बहुत सारे मेरे दोस्तों जैसे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट नहीं हुआ और पीटी में देखने के लिए तो आप ट्राइड वन कंप्लीट कर चुके थे। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैंने बहुत अच्छा ऐसे लिखा था, बहुत अच्छे डिस्क्रिप्टिव पेपर गया था। तो डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर चेक होता है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि उस किस बेसिस पर एसएससी उस पर नंबर देता है। आपका जैसा लिखावट हुआ, जैसा आपने टू दी पॉइंट बात लिखा तो वो डिपेंड करता है मार्क्स देने वाले पर। तो ये भी बात एक मद्देनज़र रखना है कि ट्राइड वन कंप्लीट करना ही इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ट्राइड उसके बाद आगे भी फेज है, फिर मेरिट है, उन सबको प्रोसेस लेते हुए आपको एक सेफ स्कोर चाहिए जो कि आपके लिए जो आपको लगे कि हाँ इतना मार्क्स है तो आप आगे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो उस बेस पर अगर आप देखा जाए तो ये मैं फाइनल कट ऑफ जो बताता हूँ जो आपके लिए सेफ स्कोर है 2018 के लिए वो ये है कि जनरल का अगर अब की बार गुड अटैम्प्ट माना जाएगा 125 से 135 में है, 125 या 35 के बीच में है तो मुझे लगता है कि अब की बार गुड अटैम्प्ट है 125 से 135। ओबीसी वाले 120 से अबव 126 तक हैं तो वो भी गुड अटैम्प्ट में माने जाएंगे और एससी वाले 115 से 120 तक गुड अटैम्प्ट माने जाएंगे और एसटी वाले 110 से 115 तक गुड अटैम्प्ट माने जाएंगे। तो इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो आप आगे की तैयारी कर सकते हैं और आगे की तैयारी भी आपको फुल एफर्ट में करना होगा, ये नहीं कि जब इसका रिजल्ट आएगा तो करेंगे। अगर आपका 135 से भी अबव है तो आपके लिए तो बहुत ही बेटर है, लेकिन अगर 135 तक है तो आप आगे की तैयारी के बारे में सोच सकते हैं बिकॉज और ज़्यादातर स्टूडेंट का आपने देखा होगा जो कि सीजीएल में अच्छे मार्क्स लाए हैं लेकिन सीएचएसएल में उनका बहुत कम मार्क्स आया है। तो उस बेस से देखा जा सकता है कि अब की बार का क्वेश्चन कितना टफ था कुल मिलाकर जो कि आपको मैं बता सकता हूँ। और बहुत से ये मत सोचिए जिन जिन लोगों का मार्क्स कम आ रहा है तो ये मत सोचिएगा कि उनका ही मार्क्स कम है बिकॉज सभी लोगों का जितने भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं अब की बार सभी लोग का मार्क्स कुछ कम हुए हैं। तो ये बात मद्देनज़र रखने योग्य है और
आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। और नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, प्लीज़ 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 अगर आप वीडियो को देखते हैं, अगर आपको लगता है तो अपना अपना मार्क्स नीचे ज़रूर लिखिएगा कि कितना मार्क्स आपका CHSL में आया है नीचे। ऐसे ये फ़ायदा होगा कि आगे वाले जो स्टूडेंट वीडियो देखेंगे, अगर वो मार्क्स देखेंगे तो उसे पता चलता है कि कितने मार्क्स ओवरऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा आए हैं या किनको कितने मार्क्स आए हैं, तो उस हिसाब से भी देखने योग्य होता है। तो अपना नीचे मार्क्स ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। मैं ये बात आपको बार बार दोहराना चाहता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो नीचे एक लाइक बटन है दोस्तों, ज़रूर दबाइएगा। आपका लाइक बटन मेरे प्रोत्साहन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो नीचे नीचे कमेंट बॉक्स है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके दोस्तों, बाय, जय हिंद।